छात्र छात्राएं जो यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, तो आइए उनसे जानते हैं किस विषय में अध्ययन कर रहे हैं और आगे चलते वो क्या बनना चाह रहे हैं। आपका नाम? ऋषिका शर्मा। क्या पढ़ रही हैं आप? मैं BSc कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो आप क्या बनना चाहती हैं आफ्टर BSc? आफ्टर BSc मैं CGPSC के लिए प्रिपरेशन करूँगी। तो अभी कोचिंग करती हैं मैम उसके लिए? नहीं अभी तो नहीं, अभी सेल्फ स्टडी। आपका नाम? खिलेश्वरी साहब। खिलेश्वरी, खिलेश्वरी कौन से सेम में हैं आप? अभी मैं MSc बॉटनी सेकेंड सेमेस्टर में। ओके, तो बॉटनी कैसा सब्जेक्ट है खिलेश्वरी, कुछ बताएंगी? बॉटनी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब इसमें ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि सेल्स को लेकर है, प्लांट्स को लेकर है, प्लांट्स में सारे जो प्लांट सेल है उसमें ऑर्गेनल्स हम लोग को दिखाई देते हैं, उसके बारे में सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा सब्जेक्ट दिया है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप बहुत खुश हैं अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर? आई लव बॉटनी। नाम आपका? पायल सिंह। तो पायल आप भी BSc कर रही हैं? जी, मैं BSc कर रही हूँ। क्या बनना चाहती हैं आप? मैं CGPSC का एग्ज़ाम दूंगी अभी, उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं देश को सुधारूंगी, देश का नाम रोशन करूंगी, यही है। जय भारत माता। पायल जी, आप एक लड़की हैं, तो लड़की जैसे आपका अगर TSP का सपना पूरा होता है, तो आप लड़की होने के नाते महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगी? सारी महिलाओं को यही बोलना चाहूँगी कि दब दब के ना रहें, अपना जो चीज़ है इंडिपेंडेंट रहें, अपने में रहें, किसी को ये मत समझे कि हम बहुत कम हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं। मतलब लड़की हो, गर्व की बात है कि तुम लड़की हो, बस ये कहना चाहूँगी। अपने में जियो, अपने में ही रहो, किसी के उसमें डरो मत, बस यही कहना चाहूँगी। बहुत बढ़िया मैसेज पायल जी का। और आपके अभी BSc का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है मैम? वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, अभी सेकेंड सेम का स्टार्ट हुआ है हमारा, अब सेकेंड सेम की तैयारी चल रही है। तो मैम BSc के साथ उसकी भी कोचिंग करती हैं? नहीं नहीं, सेल्फ स्टडी। ओके, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है? मेरी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, मतलब ओवरऑल हो गई आपकी तैयारी? बिल्कुल। कितने मार्क्स की उम्मीद लेके चल रही हैं आप? मैं तो पूरा मार्क्स लेके चलती हूँ, 12th के टॉपर है। मेरा नाम टीनिशा राव है, मैं अभी BSc फर्स्ट ईयर CBZ की हूँ, और मैं अभी अपना BSc क्लियर करके CSIR नेट दूंगी, जिससे साइंटिस्ट बनने का मेरा सपना है। ओके, तो मैम साइंटिस्ट बनने का जो आपका ड्रीम है, ये आपका ओन ड्रीम है या किसी से इंस्पायर होके, मतलब आपके मन में ऐसा आया? नहीं, मेरा ओन ड्रीम है। आपके फेवरेट साइंटिस्ट? मेरे APJ। आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत कुमार साहू। टूशन कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी? मेरे एग्ज़ाम की तैयारी अभी अच्छी चल रही थी पिछले 4 महीने से, और ये BSc का जो सेमेस्टर वाइज कर दिया है, इसके कारण मैं पढ़ नहीं पा रहा था। इसमें जो है इंटरनल एग्ज़ाम आ जाता है, फिर प्रैक्टिकल आ जाता है, और उसके बाद ही तुरंत एग्ज़ाम आ जाता है, इस कारण ना मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था उसका, UPSC का। तो अभी गैप कर दिया हूँ, वैसे भी मैं 6 महीने तक किया था कोचिंग UPSC का। कौन सी क्लास में हैं आप? मैं MSc फोर्थ सेमेस्टर में हूँ। क्या बनना चाहती हैं अलका आफ्टर MSc? अभी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है आपकी? फिलहाल मैं अभी सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम में फोकस कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपने नेट की प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहूँगी। तो अलका, आपने बॉटनी में चूज किया, बॉटनी के प्रति आपका रुझान कैसे स्टार्टिंग से था, या सडन आपका रुझान आया बॉटनी की तरफ? एक्चुअली हमें नेचर से प्यार करना चाहिए, और प्रेजेंटली हम नेचर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसके वजह से बॉटनी से हमेशा से मेरा झुकाव है, तो इसलिए मैंने हमेशा से बॉटनी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, और इसलिए मैंने बॉटनी चूज़ किया। आपका नाम? उपेंद्र सारथी। उपेंद्र, क्या पढ़ रहे हैं आप, कौन से ईयर में हैं? जी, मैं BSc कोर्स कर रहा हूँ जूलॉजी में, और मैं अभी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में। तो जूलॉजी ही क्यों, जूलॉजी में मतलब आपका विशेष इंटरेस्ट था, विशेष दिलचस्पी रही जूलॉजी में? जूलॉजी मुझे क्लास 11 से ही मैंने जब किया तो सोच किया था BSc जूलॉजी करना है, और इंटरेस्ट था मुझे जूलॉजिस्ट बनना है आगे जाके, इसलिए। और कुछ बताएंगे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में? जी, अभी हमारा फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम ओवर हुआ है, एग्ज़ाम अच्छा गया, रिजल्ट अभी आने वाला है कुछ ही दिनों में। ओके, तो अभी जो अपनी पढ़ाई के अलावा आप और भी, अधिकांश जो छात्र छात्राएं हैं BSc की तरफ बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हैं और तैयारी भी करते हैं, तो आप भी कुछ ऐसा BSc या और किसी चीज़ की कोचिंग करते हैं अपनी स्टडी के अलावा? जी, मैं BSc की कोचिंग तो अभी नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मैं अभी स्पोर्ट्स में भी हूँ, तो मैं स्पोर्ट्स में जाता हूँ, और एकेडमी भी जाता हूँ स्पोर्ट्स की, और साथ में जिम भी चल रहे हैं, तो इस कारण BSc मैं अपने 3rd ईयर के बाद से स्टार्ट करूँगा। तो दिन में कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं?
4 घंटे फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ 4 आवर्स फुल कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं लेकिन 4 घंटे बैठ ही जाता हूँ मतलब वो हो ही जाता है लूप में हो जाता है